अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो ये ब्लॉग है कल के लास्ट ब्लॉग जो आपने देखा था उसका सेकंड पार्ट, क्योंकि ये सेम डे का ही है। तो हम वहाँ से आ गए यहाँ पे, ये है A1 गैलरी। लास्ट ईयर दशहरे में मैं यहाँ पे आई थी और इस बार फिर से आई हूँ क्योंकि मुझे लेना था युग के लिए कुछ खिलौना और कुछ मम्मी के लिए कुछ सामान लेना था। तो वही हम सब आके यहाँ पे देख रहे थे। एक्चुअली ये वाला जहाँ पे है वो जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पास पास में बहुत सारा शॉप है। आप एक जगह पे आ जाओ, गाड़ी पार्किंग कर लो और बहुत अच्छे से सारा शॉपिंग कर सकते हो फ्री मोड में, क्योंकि आजकल पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब देखिए जो चीज़ें हम देख रहे थे युग के लिए, ये एलिजा देख रही थी कि क्या लेंगे क्या नहीं बच्चे के लिए। और ये हम जा रहे हैं अंदर और ये देखिए यहाँ पे कितना क्यूट क्यूट कॉफ़ी मग्स हैं, बहुत ही अच्छा डिज़ाइनर, सारा के सारा अलग अलग है और बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम गए अंदर, वही मैं देख के जा रही थी क्या है क्या नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, आप कोई भी शॉप में जाओ तो आप देखने से पता चलता है कि मुझे क्या लेना है, मेरा तो वैसा ही है। तो देखिए एक एक करके मैं सारा सामान दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे बहुत अच्छा पर्स मिल जाता है, लास्ट ईयर मैं पर्स ली थी। और ये देखिए क्यूट क्यूट बैग्स, तो एक ही शॉप में इतना वैरायटी। और फ्लावर्स तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से हम लोग देख रहे थे पेंसिल बॉक्स युग के लिए, क्योंकि युग का पढ़ाई स्टार्ट हो गया है और अभी उसको बहुत सारा पेंसिल बॉक्स चाहिए। तो वही लीजा बोल रही थी कि ऐसा वाला ली हूँ, ये सब ली हूँ। तो हम देख रहे थे कि कौन सा छोटा छोटा उसके लिए लेंगे, जो कि वो ट्यूशन्स जाने में, ये जाने में थोड़ा, स्कूल एडमिशन नहीं हुआ है लेकिन वो ट्यूशन जा रहा है तो इसीलिए। और ये छोटे छोटे चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और क्या है यहाँ पर। मुझे और एक मग दिखा, मैं दिखाऊँगी आगे आपको। और ये देखिए लीजा भी देख रही है बहुत सारा खिलौना। और ये है वो कप और ये ब्लैक स्टोन का है बोले वहाँ पे, और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए ब्लैक में कॉफ़ी या चाय अगर ब्लैक या वाइट में पी जाए तो उसका मज़ा अलग ही है। देखिए कितना अच्छा लग रहा था, मैं सोची लाऊंगी बोल के लेकिन ला नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी मैं पक्का ये वाला लेके आऊँगी, क्योंकि इस बार थोड़ा सा बहुत बिजी थे। और ये तो नॉर्मल कॉफ़ी कप, सॉरी चाय कप है। और यहाँ पे देखिए कितना सारा है, वैरायटी बहुत है। और खिलौना को तो वैरायटी मत ही पूछिए, इतना सारा बेबीज़ लोगों के लिए जो गेम्स खिलौना सब है, जो टॉय सब रहता है जो बच्चे लोग खेले, वो सब बहुत है। मैं भी देख रही थी कि युग के लिए क्या लूँ, तो मुझे दिखा ये स्पाइडरमैन, तो ये मैं लेके आई हूँ उसके लिए। और देखिए यहाँ पर बहुत सारा बाथ टब से लेके क्या नहीं है, बहुत सारा है। तो हम लोग वैसे ही देख रहे थे क्या लेंगे। तो उसको चाहिए था येलो कलर का कार, तो उसकी मम्मी ढूंढ रही थी येलो कलर का कार। लास्ट टाइम रेड कलर का कार चाहिए था, इस बार येलो कलर का। तो वही सब हम एक एक करके देख रहे थे कि क्या क्या अवेलेबल है, बाइक अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं देखी सॉफ्ट टॉय, देखिए तो ये स्पाइडरमैन, ये क्या ना बच्चे लोगों का ना हार्ड वाला लोग ना कहीं पे लग जाता है, बच्चे लोग तो नहीं पता चलता ना उनको, तो ये सॉफ्ट टॉय बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ से मैं दो सॉफ्ट टॉय ली। और ये देखिए ये फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर लग रहा था, मैं तो यहाँ पे सेल्फी भी ले ली। चलिए देखते हैं मेरा सेल्फी। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सेल्फी लिया और बाकी लोगों को भी बुला के लिया क्योंकि मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगा। देखिए जैसे सेल्फी कॉर्नर टाइप का लग रहा है कि नहीं। आप लोग भी अगर बलांगीर जा रहे हो ना तो यहाँ पे ज़रूर जाइए, A1 गैलरी बहुत अच्छा शॉप है और रिजनेबल रेट में आपको सब चीज़ मिल जाता है। और ये मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि मम्मी के लिए मुझे एक टेबल लेना था, जैसे स्टडी टेबल रहता है ना बेड के ऊपर रख के हम पढ़ाई करते हैं, जी हाँ उसी टाइप का ही मुझे एक टेबल लेना था। और ऊपर भी बहुत सारा चीज़ है जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कुछ गिफ्ट्स चाहिए तो आप आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, किंतु वैरायटी बहुत है। ये है वो टेबल, इसी टाइप का ही मैं टेबल ढूंढ रही थी फोल्डिंग वाला, क्योंकि मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको तो पता है मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है। तो इसी टाइप का टेबल के बैठ के ऊपर उसको रख दो तो वो कुछ भी कर सकती है बैठ के। तो मुझे ये वाला अच्छा लगा, ये ब्राउन पैटर्न में, और ये वाला मैं टेबल लाई हूँ मम्मी के लिए। देखिए फिर मैं वहाँ से आ गई पॉपुलर मोबाइल्स में। पॉपुलर मोबाइल विकी का है, विकी है मेरे भाई का फ्रेंड। तो मुझे एक काम था वहाँ पे। एक्चुअली मिस्टर पुरोहित लोग पहले आ गए थे यहाँ पे, देखिए वो लोग तो अंदर हैं, मैं अभी अंदर जा रही हूँ। स्वाति लोग वहाँ से नहीं आए, स्वाति लीजा A1 गैलरी में शॉपिंग कर रहे थे, उसी के साइड में ही ये है। तो वहाँ पे मैं आ गई, आते ही गणपति बाबा का दर्शन हो गया और यहाँ पे बहुत भीड़ था। तो देखिए मिस्टर पुरोहित और जीत पहले से हैं क्योंकि उनको यहाँ से लेना था
कुछ सामान, और ये है विकी जो खड़ा है, मैं मिलवाऊंगी आपको उससे। और एक्चुअली मुझे मोबाइल लेना है क्योंकि मेरा दो मोबाइल है, तो एक मोबाइल जो स्कूल में यूज़ करती हूँ वो ख़राब हो गया है, टूट गया है। और ये है विकी, आप सबको हाय बोल रहा है, पॉपुलर मोबाइल का ओनर और मेरे भाई का फ्रेंड। तो ये भी मेरे भाई जैसा ही है, तो वही उसके शॉप में आए थे, मुझे मोबाइल लेना था जो मैं बोली आपको स्कूल के लिए। तो कौन सा मोबाइल ली हूँ क्या मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। तो फ्रेंड्स उसके मोबाइल शॉप में सारा का सारा मोबाइल अवेलेबल है, और बलांगीर में उसका 3 शॉप भी है। आप आके, बहुत लोगों को पता होगा पॉपुलर मोबाइल के बारे में, आज का नहीं है, बहुत पुराना मोबाइल शॉप है, तो हम लोग भी वहाँ से कभी कभी ले आते हैं, जैसे बलांगीर में गए थे वहाँ से हम लोग ले आए, क्योंकि वो मोबाइल अवेलेबल था और वो हमें बताता है कि एक्चुअल में कौन सा मोबाइल बहुत अच्छा रहेगा। तो एक फेथ है उसके ऊपर, इसलिए वहाँ से लाए। तो मैं कौन सा मोबाइल लाई वो सब चीज़ मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी। तो मेरा पुराना मोबाइल मिस्टर पुरोहित पकड़े हैं और वो सब देख रहे थे कि मैं कौन सा लूँ क्या नहीं। तो उसी बीच में मैं शॉप का एक शूट कर ले रही थी। देखिए उसका शॉप का एक सुंदर सा लुक आप लोग देख लीजिए, सारा मोबाइल ऐसे ही रखा गया, आप लोग देख सकते हो, आके चेक कर सकते हो। और ये शॉप का नाम पॉपुलर मोबाइल, तो देखिए ओप्पो वीवो सब सब ब्रांड का मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अगर कोई मोबाइल चाहिए, अगर वो मार्केट में नहीं है, तो वो उसको अरेंज करके भी देगा। और यहाँ से मैं मोबाइल का क्वालिटी सब चेक कर रही थी, कौन सा कैसा है थोड़ा सा देख रही थी। तो ये देखिए उसी A1 गैलरी के पास ही है, तो इसीलिए मुझे बहुत मतलब कम्फर्टेबल हुआ कि वहाँ से यहाँ आ गए हम लोग, मैं आ गई और वो लोग हैं वहाँ पे। और ये मेरा मोबाइल है जो कि मेरे लिए मिस्टर पुरोहित ने ख़रीद दिया है, और ये है वीवो X70 Pro मोबाइल देखिए। और उसमें क्या क्या अवेलेबल है सब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए उसके अंदर मोबाइल तो है ही, देखिए ये उसका कैमरा क्वालिटी है, उसका कलर, ये कलर मैं लाई हूँ है ना। और ये देखिए उसका, ये तो डेमो फ़ोन था, और इसको अभी खोल के दिखाएंगे एक एक करके उसमें अंदर क्या है। ये देखिए एक सिंपल एक कवर दिया है, और ये कवर दिया है, और एक पिन दिया है खोलने के लिए, वो चार्जर का वायर है, और ये हेडफोन दिया है वीवो का, ये चार्जर है। और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, फ़ोटो वोटो इसमें मैंने खींचा है, जो जो फ़ोटो खींचा है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। और देखिए ये सब खोल के देख रहे थे, इसको ऑन करेंगे तो फ़ोन में ये कवर लगा दिए हैं, बाद में मैंने दूसरा कवर लाया वहाँ से, तो फ़ोन को अपडेट किया जा रहा है, सब कुछ खोल के उसका रेडी किया जा रहा है, मेरे दूसरे फ़ोन से यहाँ पर सब शिफ्ट भी होगा। देखिए स्टार्ट हो गया है मेरा फ़ोन चेंज होना। ये है मेरा पुराना फ़ोन ओप्पो का, देखिए बहुत टूट गया, उसका हालत बहुत ख़राब है, लेकिन मैं उसको रखूँगी क्योंकि वो मुझे चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपको भी मोबाइल चाहिए तो आप पॉपुलर मोबाइल में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वहाँ से हम चलेंगे और एक शॉप में जो कि पास में ही है, मैं गलती से यहाँ पर जा रही थी, एक्चुअल में ये वाला रास्ता नहीं है, वहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको वहाँ पे एक रास्ता मिलेगा छोटा सा, दिखाती हूँ मैं, चलिए मेरे साथ। बलांगीर मेरा मतलब देखिए बलांगीर बहुत शॉपिंग किया करती हूँ मैं, साल में एक बार आके या 2 आके, लेकिन आने से शॉपिंग करना बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ का सारा जो प्रोडक्ट्स है मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सोना चांदी हो। तो हम जा रहे हैं यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर भी गणपति पापा का दर्शन कर लीजिए, बड़ा सा गणपति का पिक जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं वहाँ का एक शूट ले ली। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और मैं आके पहुँच गई हूँ दमयंती ज्वेलर्स में, जो कि मेरे भाई का फ्रेंड का है, रिंकू का है, और उसके भाई पापा लोग सब है यहाँ पे। तो देखिए ये है वो शॉप, मैं आने से यहाँ पे लेती हूँ, और स्पेशली मुझे यहाँ का जो चांदी है, बलांगीर का जो स्पेशल चांदी है ना, चांदी का कोई भी पायल हो, चेन हो, चांदी का जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो सब चीज़ बलांगीर का बहुत अच्छा रहता है। तो हम यहाँ से जाने से मैं पायल वायल ज़रूर लाती हूँ, देखिए। और यहाँ का चांदी का क्वालिटी ना इतना शाइन करता है मत पूछिए, पर इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक लुक देख लीजिए दमयंती ज्वेलर्स का, मैं आगे चल के आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगी।
तो बलांगीर वे वाला पटना छक में ही है। पटना छक में आपको ये तीनों शॉप मिल जाएगा, A1 गैलरी, पॉपुलर मोबाइल और ये है दमयंती ज्वेलर्स। और यहाँ पे भैया लोग सब खड़े हैं और ये है दमयंती ज्वेलर्स। देखिए यहाँ पे ऑफर चल रहा है बहुत अच्छा, मेकिंग चार्ज में 50% ऑफ है। तो इसीलिए हम लोग देखिए ये सिल्वर जो ज्वेलरी है ना उसमें मेकिंग चार्ज में 50% ऑफ है, तो हमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल गया दशहरे टाइम पे। तो हम वहाँ पे गए थे और ये देखिए यहाँ पे भी एक सिल्वर का गणपति पप्पा है, वहाँ पे भी दर्शन कर लीजिए। और मैं क्या क्या लाई क्या नहीं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। तो पहले देखिए स्वाति अपना बहुत सारा चांदी का सामान लेके गई थी रिटर्न, ये वाला देखिए साइट में है, उसको रिटर्न करके लेना था। तो उसको लेना था एक पायल और एक चेन, चेन किसके लिए, रीत के लिए लेना था। और वो लोग लॉकेट पहनते हैं हमारे बच्चे लोग ना एक एक, तो उसके लिए चेन वो धागे में पहनते हैं, तो हम लोगों ने चेन ले आया, तीनों बच्चों के लिए लाए हैं। तो पहले स्वाति चूज़ कर रही थी क्योंकि मैं बाद में आई, मैं वो साइट मोबाइल शॉप में थी और स्वाति शेखर आ गए थे यहाँ पे दमयंती ज्वेलर्स में। तो देखिए वो चेन ले रही थी, एक्चुअल में यहाँ का क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ये देखिए नीचे ग्लास में ना बहुत सारा चांदी का पायल था जो कि डिज़ाइनर बहुत अच्छा लग रहा था। आप यहाँ पे आके एक बार ज़रूर चेक कीजिए, अगर कोई बलांगीर के हैं तो उनको तो पता ही होगा, वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो लोग बाहर से हैं उनको तो पता नहीं होगा। तो एक चीज़ मैं बताऊंगी, बलांगीर में चांदी बहुत अच्छा मिलता है, द बेस्ट मिलता है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो आप लोग भी जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग चेन देख रहे थे, मुझे तो बार बार वही नीचे वाला पायल सब दिख रहा था और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए जो चेन देखिए ये वाला जो कड़ा टाइप का ना वो भी मैं ट्राई की लेकिन नहीं हुआ मुझे, है ना, वो कड़ा टाइप का जो पहले पहनते थे उसी टाइप का। और ये सब जो चेन देख रहे थे, चेन के बाद हम लोग देखेंगे पायल, मैं पायल का भी एक लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चेन, बोले कि ये वाला स्ट्रांग रहेगा और ये सब है पायल। तो पायल से स्वाति भी एक लाई, मैं भी लाई और दीदी के लिए भी एक ले आए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और ये है दमयंती ज्वेलर्स का लुक। तो आप लोग जब बलांगीर जाओगे तो दमयंती ज्वेलर्स ज़रूर जाइए और एक बार चेक कीजिए। तो क्या क्या लाई वो मैं बाद में आपको दिखाऊँगी, जो जो खरीदे हैं ये सब चीज़ हम लाए हैं वहाँ से। कुछ पायल है, कुछ चेन है, ऐसे ही कुछ एक छोटा छोटा जो सामान है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए और बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे ब्लॉग को। नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत मज़ेदार है, ज़रूर देखिए। बाय।